यहाँ पर सभी लोग जी गाड़ी में बैठ गए हैं, जी और पूजा बैठे हैं पीछे। तो हम लोग पहुँच गए हैं जी टाइगर हिल, और यहाँ से देख सकते हैं नजारा कितना जबरदस्त है। तो भैया माउंट एवरेस्ट कौन सा वाला है? ये वाला है, यहाँ से पूरा एकदम नजदीक से दिख रहा है जी। हमने कंचनजंगा पहाड़ तो देख लिया, बारी है माउंट एवरेस्ट को देखने की, चलिए उसको भी देख लेते। तो हमारा हो गया जी घूमना फिरना, खाना और यहाँ पर शॉपिंग करना, और काफी अच्छा लगा। और शाम के समय जो है माहौल थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, और शाम के समय जो बात किया है जी लाइटिंग जबरदस्त लग रहा है यहाँ पर। यह तो चौराहा है यहाँ मॉल रोड का, मजा आ रहा है यहाँ पर। अब हम लोग जा रहे हैं जी रूम पर, क्योंकि प्रियांश जो है सो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा स्ट्रीट फूड सबसे भरा हुआ है यार। जी आपको मोमोज खाना था, देखते हैं यहाँ मिल जाएगा मोमोज तो ले लेंगे। मिल रहा है One hour later. ठीक उठा है अपने होटल के पास। मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है। बाप रे कितना हवा है। मेरा बेटा दो दो कैपिन, दो दो जैकेट ताकि से बिल्कुल ठंड ना लगे, दो सॉक्स। प्याज आप क्या कर रहे हैं? प्रियांश एक चीज अच्छा किया कि यहाँ पहले ही जग गया, वरना अगर अभी तक सोया रहता तो रात में जगराता करता है। अभी खेलेगा मजे में ही, रात में सोएगा फिर। A few moments late. मजा आ गया टहल के दूर करके, फिर रूम में आराम करवा के। ये देखिए कितना हंस रहा है। दादी है तुम्हारी? तुम्हारी दादी है? अपनी दादी से बात कर रहा है। मोजा जो पहना है ना वही अपना देख रहा है। ये देखिए कैसे हंस रहा है, बबुआ है। तो क्रियांश की जो है दादी से बात हो गई है, और बात होने के बाद देख सकते हैं खुशी। ओए होए कितना खुश है क्रियांश, दादी के पास जाना है। ओ भाई साहब तुरंत पलटी भरता है, अब गुड़कने की कोशिश करता है, पूरा हिट है। कब गुड़कता है ये? बुला लो दादी, आजा आजा आजा। अब डिशो 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 अब इसे हम नहीं करेंगे। माँ को चाहता है कि एनी टाइम वो करते रहे। डिशो डिशो तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं जी बाहर, बाहर से जा करके जो है कुछ खाने का सामान लाते हैं। और हम लोग जो होटल में नहीं खा रहे हैं, जैसा कि आपको बताया कि होटल का रेस्टोरेंट जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, तो बाहर जा करके थोड़ी दूर चल करके आप लोग को बजट में थोड़ा सा खाना मिल जाएगा। और यहाँ रुद्र भाई थोड़ा सा परेशान है कि वीडियो उनका अपलोड हो नहीं पा रहा। कितना परसेंट हुआ? 63% हुआ इनका, और घूम रहे इधर से उधर की, उधर से नेटवर्क आ जाए, इधर से आ जाए, कहीं से तो आ जाए। उसे जियो का खुद अच्छा काम करता है, अभी अच्छा लग रहा है, अमल चलने लगा। तो हम लोग जी बाहर निकल करके आ गए, जो दार्जिलिंग का स्टेशन है वहाँ पर आ गए, और पीछे देख सकते हैं टॉय ट्रेन लगी हुई है। हम लोग चाह रहे हैं कि कल सुबह, कल नहीं परसों का जो राइड है हम लोग जरूर ले। सुबह 11:30 बजे जो है स्टीम इंजन चलेगी, तो हम लोग स्टीम इंजन का राइड लेना चाह रहे हैं। और देख रहे हैं टिकट भी अवेलेबल है, तो अच्छी बात है जी, टिकट अवेलेबल है तो हम लोग आराम से जा सकते हैं। तो जी यहाँ का तो सब कुछ हो गया क्लियर, और इसके बाद अब हम लोग को देखना है टैक्सी। जी हम लोगों को चाहिए टैक्सी, हम लोग अपनी गाड़ी से जो है टाइगर हिल वहाँ नहीं जाना चाह रहे, समेत और भी कुछ कुछ व्यू पॉइंट है जो कि अच्छी ऊंचाई पर है। हम लोगों को उतना अभी कॉन्फिडेंस है नहीं कि खुद से ड्राइव करके जाए, और सुने कि रोड भी थोड़ा सा है उधर ऑफ रोडिंग टाइप का, तो अच्छा रहेगा कि किसी लोकल ड्राइवर के साथ ही जाए। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं लोकल टैक्सी, तो फिर देखना है, हमें जाते हैं जा करके देखते हैं, और मिल जाएगा तो अच्छी बात है, मिलना ही है, बस खाली प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। और तब तक मैं आपको दार्जिलिंग स्टेशन का जो एक नज़ारा दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं जी, उधर रुद्र भाई जो है बात कर रहे हैं सचिन भाई से। यही है जी स्टीम इंजन, देख सकते हैं यह लगातार चालू है। इसके बारे में सुना है कि इसको कभी बंद नहीं रखा जाता है, एनी टाइम यह चलते रहना चाहिए, तो हम लोग इसी का राइड लेंगे। भाई साहब यहाँ पर डाल रहे हैं कोयला इसमें। जी हमारी टैक्सी तो बुक हो गई, टैक्सी को लेकर के फाइनल कर लिया, जो हम लोग का टॉय ट्रेन का राइड था वो भी फाइनल कर चुके हैं, बस खाली टिकट बुक करना है, लेकिन परसों करेंगे हम लोग राइड, और अभी कुछ देर में बुक कर लेंगे। और तीसरा काम था हम लोग को खाना पैक करवाने का, खाना भी यहाँ पैक करवा रहे हैं, और यहाँ पर काफी नॉमिनल रेट में जो है सब कुछ मिल जा रहा है। आपको दिखाते हैं रेट साथ, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कितने में क्या क्या मिल जाता है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है जी, टूरिस्ट एरिया है उसके हिसाब से। तो यहाँ देख सकते हैं जी हमने जी ऑर्डर किया है, ये ऑमलेट किया है ऑर्डर, और साथ में हमने ऑर्डर किया है मटर पनीर, और उसके बाद जो है रोटी, और ये सब जितना भी आइटम है मुझको लगता है मुश्किल से 200-250 के अंदर में आ जाएगा, और आराम से भरपेट खाएंगे हम। अगर सेम चीज अगर हम होटल में करते तो 250 की जगह 1000-1200 लग जाता आराम से।
The next day. और आज प्लान है कि दार्जिलिंग के जो आसपास के इलाके हैं, जैसे कि टाइगर हिल हो गया, रॉक गार्डन हो गया, और भी कुछ कुछ है, मुझे तो उतना आइडिया है नहीं, रुद्र भाई को आइडिया है क्योंकि वो जो है दार्जिलिंग पहले भी आए हुए हैं। तो जी मोटा मोटी बात यह है कि दार्जिलिंग के आसपास का जितना भी व्यू पॉइंट है हम लोग आज कोशिश करेंगे एक्सप्लोर कर ले, और उसके बाद जो है कल हम लोगों का टॉय ट्रेन का राइड है। तो सबसे ज्यादा तो हम एक्साइटेड हैं टॉय ट्रेन का राइड लेने के लिए, और साथ में चाहते हैं रोपवे करना, लेकिन रोपवे देखते हैं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि रोपवे के लिए सुना है कि बहुत लंबा लाइन लगना पड़ता है, जब तक आपका नंबर आता है लगभग कम से कम 2-2.5 घंटे तो जरूर लग जाते हैं। उतना टाइम है इस समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि अब जो है ट्रिप बचा है कुछ ही दिनों का, और हम लोगों को जो है वापस रिटर्न भी होना है। और फिलहाल क्रियांश को देख सकते हैं, इसकी हो रही है मालिश, और यह जो है सुबह 4:30 बजे ही उठ गया था, हम लोगों को अलार्म की जरूरत नहीं होती है, यही एकदम सवेरे जगा देता है ना। ओए क्रिया, कितना सीधा बनता है, कैमरा के सामने बहुत सीधा ठीक है। तो क्रियांश की करो मालिश, और अब हम चलते हैं बाहर, क्योंकि जिस टैक्सी वाले भैया से बात किए थे आज जाने के लिए, उस भैया का नंबर जो है बता रहा है कि इनकमिंग कॉल नॉट अवेलेबल, तो हो गया है सीन, तो इसलिए चलते हैं बाहर और जा करके कोई दूसरा टैक्सी करके आते हैं। क्रियांश को तो खिलाकर हमने सुला दिया जी, उसके बाद बारी है अब तैयार होने की, हम तो तैयार हो चुके हैं, बस बारी है जिया की। अब जिया डिसाइड कर रही है कि कौन सा कपड़ा पहना जाए, बेचारी को जो है कुछ अंदाजा लग ही नहीं रहा है कि कौन सा पहनना है, बता रहे हैं ठंड से बचना है, फैशन छोड़ो, ये पहन लो सीधा, हवा रुकेगा ये, हमको अच्छा तो लगता है, बहुत मोटा है, बहुत मोटा है तो क्या हुआ, बस हवा रुकेगा ये, तो बिल्कुल ठंड नहीं लगने देता। हाँ तो चलो, मेरा तो ये है ही अपना जिंदाबाद, ठीक है तो तुम तैयार हो। और इधर हमारा बेटा भी जग गया है, अभी तक तो सो रहा था, मुश्किल से नींद लिया होगा 20 से 30 मिनट का और जग चुका है, और तभी से खेल रहा है अपनी में ही, हम लोगों को अभी तक तो नहीं कह रहा है कि आप लोगों के पास आओ, क्योंकि क्रियांश को आदत है इसका ये रहता है कि अगर कोई आसपास आदमी है तो क्रियांश चाहता है कि बस वो उसी के साथ खेले बातचीत करे, फिलहाल अभी अपने में व्यस्त है। यहाँ देख सकते हैं क्रियांश झूला झूल रहा है, और उधर शिवांश झूला झूल रहा है, पूजा झूल रही है, बेटुआ झूल रहा है, कैसा लगा बेटू को, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको। तो सभी लोग जी चल रहे हैं हम लोग गाड़ी के पास, आप लोग जो 8 बजे ही निकलने वाले थे, यहाँ 9:15 बज चुका है, चलो और जाते जाते एक बार कंचनजंगा का जो है व्यू ले लेते हैं। थोड़ा आप लेट किए, थोड़ा हम कर दिए तो यहाँ है जी अपनी गाड़ी, तो भैया गाड़ी आगे कर रहे हैं, फिर चलेंगे सब अंदर। राधे कह रहे राधे 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 राधे। तो यहाँ पर सभी लोग जी गाड़ी में बैठ गए हैं, जी और पूजा बैठे हैं पीछे, हम लोग आगे बैठेंगे ताकि उन लोगों को जो है कोई दिक्कत नहीं हो, शिवांश और क्रियांश को, वैसे भी ठंड का मौसम है कोई दिक्कत है नहीं, तीन आदमी भी बैठ सकते हैं, भैया लोग जब आराम चलाते होंगे तीन आदमी बैठाते होंगे। तो जी यहाँ से चल रहे हैं अब, हाय हाय हाय, जय माता दी, राधे राधे। तो यहाँ पर हम लोग टाइगर हिल का टिकट लिए हुए हैं, तो 50 रुपया करके है, और इसके अलावा जो है एंट्री फी भी अलग से लग रहा है, ये 70 रुपया पर हेड करके है। देवी मंदिर, और हम लोग जो है टाइगर हिल के व्यू पॉइंट के पास जो है जस्ट अब पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में। ये सब तो बुद्ध स्तंभ का रहता है ना, बुद्ध स्तंभ का, और लामा सब रहता है ना, तिब्बत वाले सब पंडित है, अच्छा पंडित सब है, क्योंकि वो जितने तिब्बती रहते हैं उनको देखते ये सब लगाते हैं, जो मन्नत पूरा होता है यहाँ पे, जो मन्नत मांगता है, अच्छा तो हम लोग पहुंच गए हैं जी टाइगर हिल, और यहां से देख सकते हैं नजारा कितना जबरदस्त है, आसमान कितना लग रहा है एकदम पूरा स्काई ब्लू, जैसा हम लोग अपने किताबों में देखते हैं। मेरा बेटा आके सो गया देखने के बजाय, कोई नहीं बेटा सोया हुआ है तो कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होगा तो अपना भी हमारा ब्लॉग देख लेगा और यहाँ पर देख रहे हैं टेलीस्कोप सब भी लगा हुआ है, तो उसका कुछ चार्ज होगा जिससे आप जो है दूर तक देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कुछ ऐसा नजारा है यहाँ से, पीछे जो है कंचनजंगा है, और शायद कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट भी यहाँ से दिख रहा है। तो भैया माउंट एवरेस्ट कौन सा वाला है? ये वाला है, ये वो चोटी दिखाई दे रहा है ना, जो ये इसके पीछे जो है, हाँ सारा देख लेंगे, सब कुछ दिखा दो आप, चाइना नेपाल सब दिखा, अच्छा <मैं, laughs>
यहाँ पर हमें पता चला है वो जो आप देख रहे हैं बर्फ वाला एरिया, वो उधर इंडिया चाइना का बॉर्डर है उस साइड, नाथुला पास के आसपास है और यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, गाड़ी जाती भी है उधर। इधर जो है यह है कंचनजंगा। अच्छा क्रियांश में जगह क्या ये भी देखेगा, कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट सब कुछ देखेगा। तो यहाँ तो दिख रहा है जी व्हाइट जैसा, ये कंचनजंगा है और यहाँ से माउंट एवरेस्ट की भी थोड़ी सी झलक देख सकती है, थोड़ी सी झलक है जो देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट। वो जो पहाड़ देख रहे हैं ब्लर आ रहा है, कैमरा उतना सही है नहीं इसका, तो वो जो पीछे आपका व्हाइट जैसा दिख रहा है वो है माउंट एवरेस्ट। तो हम लोग आ गए हैं जी टेलीस्कोप के पास और यहाँ से जो है अपना लेंगे व्यू। भैया दिखाइएगा जी, आप पहले देख लो तुम। ये पूरा कंचनजंगा देखिए, आप घुमा के सब नहीं यहाँ पर हाथ रखे क्या भाई साहब। अच्छा ये पूरा व्हाइट कंचनजंगा, हाँ पूरा कंचनजंगा पूरा घुमा के देखिए राइट पे, वहाँ से पूरा एकदम नजदीक से दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि हम लोग पहाड़ पे पहुँच गए। कंचनजंगा था पूरा, हाँ ये पूरा कंचनजंगा देख रहे हैं पहाड़ नजदीक से, ऐसा लग रहा है कि ठीक वहाँ पर पहुँच गए हम लोग। और वहाँ पर जो है ट्रेकिंग भी नहीं होता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर सभी लोग ट्रेकिंग करते हैं क्योंकि वह जो है एक होली माउंटेन है, तो इसलिए वहाँ पर ट्रेकिंग अलाउ नहीं है। पवित्र स्थान पर जानती है ही पैर नहीं लगाते हम लोग। जी हमने कंचनजंगा पहाड़ तो देख लिया, बारी है माउंट एवरेस्ट को देखने की, चलिए उसको भी देख लेते। यहाँ क्रियांश को देख सकते खेल रहा है। तो जी हमने ले लिया टेलीस्कोप से व्यू और साथ में जो है फोटो भी ले लिया। एक भाई साहब थे वहाँ पर, उन्होंने भी खींच दिया बहुत अच्छी अच्छी फोटो। तो वह सब फोटो अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर इंस्टाग्राम पे जरूर देखिए। बिल्कुल जी, तो इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जल्दी से जाइए वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है यहाँ आकर के। बिल्कुल जी, खूब फोटो लिए हैं, खूब रील बनाए हैं और क्रियांश भी बहुत मजे में था। क्रियांश तो सबकी गोदी जा रहा था और पूरा एंजॉय कर रहा था। हाँ, और जितने भी लोग आ रहे थे सब इसको खिलाने में व्यस्त थे। ये अच्छी बात है, सबके पास जाता है और अच्छा लगता है। ये ऐसा ये लग रहा है मुँह है जैसा हम लोगों के घर में कार्ड है पुराना वाला, बिल्कुल जैसा पुराना पापा का। ऐसा ही गाड़ी सबसे अच्छे से चलता है। तो पूजा यहाँ बिस्किट लेके आई है फड़ के।